करियर की शुरुआत अभी कुछ ही साल पहले हुई है, मैं बोलूँगा 17-18 साल हो गए। मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था जर्मनी से, जहाँ मैंने मेरा डांस का कोर्स किया, मेरी एजुकेशन की। और यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरी पहली पिक्चर मिली ज़ुबैदा विद श्याम बेनेगल जी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म्स हमारे बॉलीवुड की हैं, अवार्ड विनिंग फिल्म रही। एंड आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक विद श्याम बेनेगल, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ आर कंट्री। और उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ बताया अबाउट कोरियोग्राफी, अबाउट सिनेमा, दैट आई थिंक वहाँ से मेरी जर्नी जो है वो शुरुआत हुई। फिर बाद में अरुणा राजेश जी के साथ मैंने फिल्म की कॉल्ड तुम, एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स। तो आई थिंक आई हैव वर्क फॉर सच वंडरफुल पीपल कि मुझे आसानी हुई कहीं ना कहीं पे टू बी अ कोरियोग्राफर इन बॉलीवुड। और बाद में सात खून माफ़ किया मूवी, देयर वॉज मंगल पांडे, जैकी चैन की पिक्चर की, द मिथ, इतनी पिक्चरें की कि फाइनली नाउ आई फील इट्स बीन अ वंडरफुल ब्यूटीफुल जर्नी। किसी भी कोरियोग्राफर के लिए, किसी भी डांसर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या कुछ भी हो। तो मैंने मेरा MBA किया, मैं होटल मैनेजमेंट किया, एंड आई थिंक दैट्स वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, पार्ट ऑफ लर्निंग। और आज मेरा डांस स्कूल चलते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आई यूज़ माई मार्केटिंग स्किल्स ऑफ माई MBA इनटू माई डांस स्कूल, और माई होटल मैनेजमेंट स्किल्स इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद पीपल। तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो एजुकेशन होती है, जो पढ़ाई होती है, वो आपके आगे प्रोफेशन में, करियर में, चाहे कुछ भी आप आगे करें, कहीं पे ज़रूर काम आती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेरे साथ भी हुआ हमेशा। आई थिंक होटल मैनेजमेंट का जो मेरा लाइफ था, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, क्रिएटिंग न्यू डिशेस, मिक्सिंग न्यू डिशेस टुगेदर। और अभी मैं करता हूँ कभी कभी, इतना टाइम नहीं मिलता है, बट करता हूँ। आई थिंक इट जस्ट ब्रिंग्स बैक ऑल द वंडरफुल मेमोरीज। अभी कुछ दिन पहले हम लोग, हमारे सब फ्रेंड्स साथ में मिले थे होटल मैनेजमेंट, वी वर टॉकिंग अबाउट हम लोग ने किस तरह से किचन में धमाल किया था, मस्ती की थी। एंड हम लोग भी करते हैं कभी कभी घर में, बट कम हो गया पहले से, बिकॉज काम इतना है कि मुश्किल हो जाता है किचन में घुस के काम करना। बट आई थिंक होटल मैनेजमेंट में जो होता है क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स बिकॉज यू क्रिएट न्यू थिंग्स, एंड डांस में भी सेम थिंग, बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड डांस फील्ड इज द हॉस्पिटैलिटी। जो हमारे डांस स्कूल में लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, सेम भी होटल में भी आते हैं, आप किस तरह से सबसे डील करते हैं, बट एट द सेम टाइम सब खुश रहते हैं। आई थिंक यही बात जो है ये मुझे सीखने को मिली थ्रू होटल मैनेजमेंट। इट वॉज नॉट अबाउट कुकिंग, इट वॉज मोर अबाउट डीलिंग विद पीपल, कम्युनिकेटिंग विद पीपल। और अगर आप कम्युनिकेशन ठीक हो, अगर आप दिल से बात करें, दिल से साफ रहें इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद पीपल, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम होटल मैनेजमेंट। वेल, डेब्यू एज अ कोरियोग्राफर डेफिनेटली वॉज ज़ुबैदा, मेरी पहली पिक्चर। बट आई थिंक माई नाम स्टार्टेड बिल्डिंग अप ओनली मच लेटर, व्हेन आई डिड जैकी चैन फिल्म द मिथ, जो मैंने की थी, तब थोड़ा नाम बढ़ना शुरू हुआ, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। देन आई डिड समथिंग विद ब्रिटनी स्पीयर्स, आई डिड समथिंग मैडोना, उसके बाद में थोड़ा नाम हुआ कि भाई ये कौन कोरियोग्राफर है जो काम कर रहा है इंटरनेशनल स्टार्स के साथ में। एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी मेमोरेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल। द फर्स्ट अवार्ड दैट केम टू मी वॉज मेनी मेनी ईयर्स बैक, नॉमिनेशंस मिले, अवार्ड्स मिले, बट आई थिंक द मोस्ट आई वुड से स्पेशल वंस जो हैं, अ फ्यू ऑफ देम, सबसे पहले आई वुड से इन 2014 जब मुझे मिला द नेशनल अचीवमेंट अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इतना अच्छा लगा क्योंकि पहली बार 22 ईयर्स के इस अवार्ड में पहली बार किसी वेस्टर्न डांसर को, बॉलीवुड कोरियोग्राफर को अवार्ड मिल रहा था। अभी तक हमेशा क्लासिकल डांसर, फोक डांसर्स को ही मिलता आया था। तो इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया। 2016 में मुझे नेशनल एक्सलेंस अवार्ड मिला अगेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब सरकार से आपको तारीफ़ें मिलती हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, तो उसका अलग ही फीलिंग होती है। एंड दिस ईयर हैज़ बीन द मोस्ट वंडरफुल अवार्ड आई वुड से इज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो जब इंग्लैंड में मुझे एट द हाउस ऑफ कॉमन्स मिनिस्टर सब बैठे थे वहाँ पे, उनके लोग, एंड यू नो देयर वर बैरनेस सिटिंग देयर, देयर वर सो मेनी पीपल, हाई प्रोफाइल पीपल फ्रॉम लंदन, वो सब वहाँ बैठे थे। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया बीइंग द बॉलरूम जूल ऑफ इंडिया अवार्ड, एंड माय नेम केम इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जस्ट फील्स सो हम्बल्ड की जर्नी जो रही इतने सालों की, कहीं ना कहीं पे कहते हैं ना रिजल्ट निकलता है स्कूल के टेस्ट के बाद में, तो इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ रिजल्ट दैट केम आउट, एंड वन वन पासिस वन फील्स वेरी नाइस अबाउट इट। डांस मेरे हिसाब से इज नॉट अबाउट लर्निंग द स्टेप्स। काफ़ी लोग सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आपका डांस हो गया।
मेरे हिसाब से डांस के अगर आपको सीखना है तो आपको उसके उसके अंदर घुसना पड़ता है. नॉट जस्ट द मूवमेंट्स, पर वो मूवमेंट्स कहाँ से आई, क्यों होती हैं वो मूवमेंट्स, हर एक स्टेप अगर बनता है तो कैसे बनता है, क्यों बनता है. नॉट बिकॉज बॉडी डांस करती है, पर उसके पीछे कहानियाँ होती हैं, हिस्ट्री होती है, बैकग्राउंड होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कुछ के मूवमेंट्स बनते हैं. तो वो सब जो डांस का बैकग्राउंड है वो अगर आप जाने पहचाने तो आपको डांस के अंदर और घुसने का मन करता है, डांस को और करने का मन करता है. अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, अगर हम अपनी सभ्यता पढ़ते हैं, हमारी माइथोलॉजी पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमको देश से प्यार होता है. उसी तरह से अगर हम डांस को भी और पढ़ें और आगे देखें और अंदर उसकी झांकने की कोशिश करें, नॉट जस्ट डू इट एज स्टेज और यू नो जस्ट परफॉर्मेंस वैल्यू, तब आपको डांस से बहुत बहुत प्यार हो जाएगा. बिकॉज आपको उसके बारे में इतना कुछ पता चलेगा, इतनी डिटेल पता चलेंगी आपको कि आपको उसको छोड़ने का भी मन नहीं करेगा. ये बात बहुत दुखमयी है कि हमारे देश में, जो हमारा देश है, वो डांस और म्यूज़िक के ऊपर बसा हुआ है. चाहे हमारे यहाँ जन्मदिन हो या कोई किसी की डेथ हो, हम लोग हमेशा नाच गाते हैं. उस देश में डांस को एक हॉबी मान के चला जाता है. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करियर मान करके आगे जाते हैं. स्पेशली अगर मैं इंटरनेशनल डांस की बात करूँ तो बहुत ही पीछे है वो. हमारे क्लासिकल डांस और फोक डांसेस को भी लोग करियर मानने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं. तो ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि हमारा देश जो है इट्स ऑल अबाउट डांस एंड म्यूज़िक. बट आई गेस जहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी हो, थोड़ा बहुत बढ़ावा मिल रहा हो टी वी शोज़ से या स्मॉल टाउन में क्लासेस से, कहीं ना कहीं पर होप है. और ज़िंदगी जो है वो हमेशा होप पर ही चलती है. सो आई होप कि हमारे इंटरनेशनल डांस फॉर्म को और बढ़ावा मिले. और इंटरनेशनल डांस फॉर्म ही क्यों, हर डांस फॉर्म को बढ़ावा मिले. बिकॉज इंसान बना ही है नाचने के लिए. हमारे अंदर का खून भी जो है हमारे अंदर डांस करता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे. आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ ब्यूटी, दैट इज़ वॉट इज़ डांसिंग. हमारी धरती जो है डांस करती है सूरज के चारों तरफ. तो आई थिंक हर कोई है कहीं ना कहीं पर डांस जुड़ा हुआ है. बट उसको थोड़ा सीरियस लाइट में देखना, उसको एज अ प्रोफेशनल लाइट में देखना, आई थिंक हमारे देश में काफ़ी साल लग जाएंगे उसके लिए. बट आई होप इट हैपेंस, बिकॉज लाइक आई सेड एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन होप. मैं डिफरेंस यही मानूंगा कि सीरियसनेस टुवर्ड डांस जो है वो हमारे देश में है, पर लेकिन इतनी नहीं जितनी इंटरनेशनली है. इंटरनेशनली लोग डांस को अपना करियर बनाते हैं, राइट फ्रॉम स्कूल डेज से शुरू करते हैं और बाय द टाइम वो कॉलेज तक पहुँचते हैं उनका करियर निकल चुका होता है. हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता. हम लोग डांस को हमेशा हॉबी बना के रह जाते हैं, और वो हॉबी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डांस को आगे बढ़ा लेते हैं. तो आई थिंक हम लोगों को सीरियसनेस डांस की बहुत ज़रूरी है. एंड आई होप ये शुरू हो, क्योंकि हमारे देश में भर भर के टैलेंट है. मैंने हमारे रियलिटी शोज़ के टाइम पे इतना स्मॉल स्मॉल टाउन्स में जाकर के मैंने देखे हैं, लोगों को देखा है, उनका डांस एक्सपीरियंस किया है. मेरे डांस फेस्टिवल में भी आते हैं लोग, और मुझे पता है टैलेंट कितना है. और उस टैलेंट को तराशने के लिए, उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी ज़रा उसमें सीरियसनेस जो है डालनी पड़ेगी. एंड आई होप इट हैपेंस.